नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर जब भी पुलिस वालों का जिक्र होता है तो वर्दी सामने दिखाई देती है, सख्त छवि वाला इंसान सामने दिखाई देता है। लेकिन कई पुलिस वालों में कुछ हुनर होता है, कुछ कलाकारी होती है, जिसे कई पुलिस वाले अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हैं, यानी अपनी कलाकारी दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म पुलिस वालों के लिए है। लेकिन अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को यह कलाकारी पसंद नहीं आती है, यह स्पष्ट है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्तिगत रील, व्यक्तिगत पोस्ट आप सार्वजनिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें नहीं डालेंगे। ये आदेश पुलिस को क्यों जारी करना पड़ा, पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी अपना ऑफिस का कीमती समय रील बनाने में, निजी वीडियो बनाने में खर्च करते हैं। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार संदेह होता है। कलाकारी दिखाने के लिए कई दूसरे मंच हैं। अगर आपको वहां जाना है तो पुलिस अधिकारियों की या सक्षम अधिकारी की इजाजत ली जा सकती है, तो उन्हें अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिल सकता है। ये जो फरमान है ये आईपीएस अधिकारियों पर भी लागू होगा। और अगर कोई कलाकारी दिखाना चाहता है तो जैसा मैंने पहले कहा, अपने से वरिष्ठ अधिकारी से उसे इजाजत लेनी होगी। और कई जगह किसी सेमिनार में, किसी वेबिनार में, कहीं भाषण देने के लिए, कहीं सामाजिक काम के लिए अगर जाना पड़े और वहां पर कोई बयान देना पड़े, कोई लेक्चर देना पड़े, सेमिनार में अपना संबोधन करना पड़े, तो उसकी भी इजाजत अपने अधिकारी से लेनी होगी। अब ये बात कितने पुलिस वाले मानेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। वैसे पुलिस फोर्स डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है और ऊपर के जो आदेश होते हैं उनका पालन करना पुलिस कर्मचारियों का, पुलिस अधिकारियों का एक तरीके से कर्तव्य होता है। ताजा फरमान कितनी जल्दी पुलिस वाले मान जाएंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। और जो लोग अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं वो किस स्तर पर जाकर परमिशन लेंगे, इजाजत लेंगे, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताएं कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस की कमान डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार ने संभाली है और अपनी सख्त छवि के चलते अभिनव कुमार कोई ऐसा मौका किसी पुलिस वाले को नहीं देना चाहते जिससे पुलिस की छवि पर दाग लगे। इसीलिए वो सारे पुलिस वालों को सचेत अभी से कर रहे हैं। पुलिस वालों का जब मैं जिक्र करता हूं तो कर्मचारी से लेकर आईपीएस अफसर तक का नाम शामिल है। और शायद ऐसी कार्यप्रणाली की कोशिश की जा रही है कि वो एक डिसिप्लिन में रहे, अपने कीमती समय का उपयोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करें। अगर ऐसा होगा तो पुलिस की छवि बेहतर हो सकती है, शायद ये मानना है। लेकिन उन कलाकार पुलिस कर्मियों का क्या होगा जो खुले रूप में अपनी कलाकारी सोशल मीडिया पर दिखाते थे, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।